हाय गाइस, टेक जोन में आप सभी का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारा एक टॉपिक है दोस्तों कि हम अपने फ़ोन में थंबनेल किस प्रकार से बनाते हैं। आप सभी तो जानते होंगे दोस्तों कि थंबनेल एक अपने YouTube वीडियो के लिए बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप थंबनेल लगाएंगे तो ही आपका YouTube वीडियो आकर्षक बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार से थंबनेल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे मेरी सारी बातों को आराम से और ध्यान से फॉलो करेंगे तो ही आप एक अच्छा थंबनेल बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत समझा पाऊंगा, लेकिन आप अपने घर में आराम से टाइम दे करके उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक। चलते हैं प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर में आपने ओपन करना है पिक्स आर्ट। ठीक है दोस्तों, पहला वाला जो पिक्स आर्ट का ऐप है इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैं इसे यहाँ से डायरेक्टली ओपन करता हूँ दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ड्रॉ का ऑप्शन मिलता है, उस ड्रॉ पर क्लिक कीजिए। क्रिएट न्यू पर क्लिक कीजिए दोस्तों, और सबसे ये सारे जो पेजेस आ रहे हैं इसमें हम सबसे लास्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे, जिसमें कि इसका विड्थ होगा दोस्तों 1280x700। ओके, सॉरी दोस्तों 700 नहीं, इसे हम 800 पे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे 800 कर दिया है। उसके बाद आप एक वाइट बैकग्राउंड चूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम इसे डायरेक्टली ओपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ओपन हो रहा है। उसके बाद दोस्तों आपने सबसे ऊपर टॉप पर ये जो एरो का निशान है इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे एडिट इमेज पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर एडिट इमेज पर क्लिक किया, उसके बाद दोस्तों एक नया जो है वो पिक्स आर्ट का नया एडिटिंग सोर्स खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने यहाँ पर भी आपने ड्रॉ के ऑप्शन पर जाना है। ठीक है दोस्तों, ड्रॉ के ऑप्शन पर जाने के बाद आप ये जो सबसे नीचे जो ये ट्रिपल वाला आ रहा है इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पर एम्प्टी लेयर है या नहीं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने इस तीन लेयर के बगल में ये जो इमेज के साथ प्लस वाला है आइकन, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद फ़ोटोज़ पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने फ़ोटोज़ दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ में से कोई भी एक सा फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला फ़ोटोज़ को चूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप इसे अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। तो आपको इसे अच्छे से एडजस्ट करना है। पहले आप इसे छोटा कर लीजिए, उसके बाद आप इसे अच्छे तरीके से सब तरफ फैला पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इसे अच्छे तरीके से फैला लीजिए, और उसके बाद आप इसकी, कोई बात नहीं, ये अगर अच्छे से नहीं हुआ तो फिर से हम यहाँ पर सबसे लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ये थ्री डॉट जो है इस पे क्लिक करना है, उसके बाद ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आप ये फ़ोटो उसको आराम से एडिट कर पाएंगे। आप जितने रेशियो में चाहते हैं उतना रेशियो में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इसे एडजस्ट कर लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक
तो आइए दोस्तों हम लोग लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद सिंपली लिखिए हाउ टू मेक, पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद इसे आप यहाँ से बड़ा कर लीजिए, उसके बाद सबसे ऊपर पे ले जाइए। आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों, जो सा कलर आपको पसंद हो आप वो कलर चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं कितना अच्छा डिज़ाइन भी मिल रहा है, देख सकते हैं आपका जैसा मन वैसा रख सकते हैं दोस्तों। आप अगर चाहें तो आधा रख सकते हैं, आधा ब्लैक और आधा वाइट भी रख सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा ये। ठीक है, तो मैं इसे इतने पे रहने देता हूँ, उसके बाद यहाँ से करेक्ट पे क्लिक कीजिए, फिर से हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर थंबनेल और इन, यहाँ पर इस तरह से हम इसे लिख लेंगे। इस बार हम यहाँ से एक दूसरा फॉन्ट यूज़ करेंगे जो कि बिल्कुल सिंपल सा होगा, और हम उसे यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम इस बार इसका कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं। उसके बाद आपने फिर से टेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद लिखना है एंड्रॉयड फ़ोन, ओके। उसके बाद आप इसको नीचे ले आइए और इसे आराम से बड़ा कर लीजिए यहाँ पर से, उसके बाद आप यहाँ से इसका कोई सा भी फ़ॉन्ट फिर से चूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप उस तरह के फ़ॉन्ट्स को यहाँ से ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं एक फ़ॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ और उसे आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना बड़ा रखना है आपको या कितना छोटा रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आप उसे एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से अगर चाहे तो आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके एसी का कलर रहे तो भी वो भी हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से एक दूसरा और सिंपल कलर चूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद देखिए दोस्तों कि हमारा ये एंड्रॉयड फ़ोन लिखने का डिज़ाइन कितना अच्छा हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से सिंपली आप इसे ओपन कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इस थंबनेल के बीच में आपका फ़ोटो या फिर आपके या फिर किसी भी प्रकार का आइकन लगाना चाहते हैं, तो सिंपली दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिर से आप ड्रॉप के ऑप्शन पर जाएंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पर लेयर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ से ऐड न्यू फ़ोटोज़ पर क्लिक करेंगे, और एक और फ़ोटो आप चाहें तो किसी भी प्रकार का आइकन वगैरह जो भी आप चाहें वो सिंपली लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं फ़िलहाल इसे नहीं लगाऊंगा और इसे मैं सिंपली रहने दूंगा। उसके बाद आप सबसे टॉप पर जो एरो का निशान है उस पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद फिर सेव प्राइवेट पे क्लिक कर दीजिए, ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसे आप डन कर दीजिए, सबसे टॉप पे डन है और ये आराम से हो भी जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक भी करें और शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी मेरे वीडियोस तक पहुंचाएं, ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। थैंक यू सो मच।